हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल इज सच एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल हैव पावर एज ए होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। भाई, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल टर्म की पावर जो है वो होल नंबर में हो, पॉलिनोमियल कहलाती है। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई, पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x+1, इसमें जो डिग्री है ये 3 कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। अब आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये दो प्रकार से हैं, पहली क्या है अकॉर्डिंग टू डिग्री और सेकंड क्या है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली है लीनियर, जिसमें पावर 1 हो, इसका एग्जांपल ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 हो, इसका एग्जांपल भी ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्यूबिक, जिसकी पावर 3 हो, इसका एग्जांपल भी ब्रैकेट में है। बाइक्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 4 हो, इसका भी एग्जाम्पल ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब आता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी पदों के आधार पर। फर्स्ट है मोनोमियल, जिसमें 1 टर्म हो, इसका एग्जाम्पल ब्रैकेट में है। बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हों, 2 पद हों, तो ये भी ब्रैकेट में आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्रीनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हों, 3 पद हों, ये भी एग्जाम्पल आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब आता है डिग्री ऑफ जीरो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। भाई, जिसकी पावर 0 हो वो क्या कहलाती है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, px=5 और दूसरा एग्जाम्पल fx=1/2। भाई, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।